तो मैंने देखी बवाल, स्टारिंग वरुण धवन एंड जानवी कपूर, डायरेक्टेड बाय नितेश तिवारी, जो कि कंटेंट वाइज स्ट्रॉन्ग मूवी को डिलीवर करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने दंगल और छिछोरे जैसी मूवी बनाई है। इसके अलावा भूतनाथ रिटर्न, चिल्लर पार्टी, बरेली की बर्फी भी बनाई है। अब अगर मैं बात करूँ इस मूवी के बारे में, तो ये स्टोरी बेस्ड है अजय और निशा और उनके कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के बारे में। हर एक तरफ अजय, जिसको अपनी इमेज बहुत ज्यादा प्यारी है और वो उसको मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा फेक रहता है, जहाँ पे दूसरी तरफ निशा है जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, इन शॉर्ट कहें तो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। और इन दोनों की शादी होने से पहले इन दोनों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाया था, जिसके चलते इनकी लाइफ में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और वो दोनों काफी दूर दूर रहने लगते हैं। तो ये मूवी बेसिकली पूरी उसी चीज पे रिवॉल्व करती है कि ये दोनों कैसे अपने कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप से बाहर आते हैं और कैसे वर्ल्ड वॉर टू एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज में, जो कि मैं कहूंगा इस मूवी का फर्स्ट हाफ मुझे बहुत अच्छा लगा था एज कम्पेयर टू सेकंड हाफ। तो अब मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आई मीन, इसको नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है तो उन्होंने सबसे अच्छा काम निकलवा लिया है। और ये मूवी दंगल छिछोरे लेवल जितना काम तो नहीं करती है, पर मूवी को देख के एंजॉय किया जा सकता है। मूवी की सपोर्टिंग कास्ट भी काफी ज्यादा अच्छी है और वरुण धवन की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है, या फिर बेस्ट भी कह लो। ओवरऑल मैंने मूवी एंजॉय करी। तो अगर आपने ये मूवी देखी तो आप अपने थॉट्स पे मुझे बताओ कि आपको कैसी लगी।